हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, आदाब। सर्वप्रथम मैं भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं कि भारत माँ के सच्चे सपूत, भारत माँ के सच्चे सपूत और सादगी के साक्षात प्रतिनिधि थे कलाम। भारत माता के सच्चे सपूत और सादगी के साक्षात प्रतिमूर्ति थे कलाम। नमन है ऐसे देशभक्त को, तहे दिल से उन्हें सलाम, तहे दिल से उन्हें सलाम। तो यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से हैं, ये या तो पुरस्कार विजेता हैं, प्रतिनिधि हैं, या अतिथि के रूप में या वक्ता के रूप में यहाँ पे सेवाएं लगातार 3 दिनों से दे रहे हैं। तो एक मैं छोटी सी घटना या प्रसंग से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा कि एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा रहता है, वो अपनी माँ के साथ, यानी वो माँ उसको स्कूल छोड़ने जाती है। रास्ते में उसे कचरा बीनने वाला दिखता है, यानी जो कबाड़ी होता है वो दिखता है। तो ये दृश्य को देखकर बच्चा क्योंकि छोटा रहता है तो पूछता है, माँ ये कौन है? तो माँ बताती है कि बेटा ये कबाड़ी वाला है, ये कचरा बीनता है, इसीलिए कहती हूँ कि तुम पढ़ लिया करो, अगर नहीं पढ़ोगे तुम्हें भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। फिर एक और माँ रहती है, वो भी अपने बच्चों को लेकर यानी बस स्टॉप से ले जाती है, तो उसको भी एक वही कचरा बीनने वाला दिख जाता है। तो उसको जब माँ बोलती है, यानी जब बच्चा पूछता है कि माँ ये कौन है, तो माँ बोलती है कि बेटा ये कचरा बीनने वाला है, इसीलिए कहती हूँ कि तुम पढ़ लिया करो, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो इनकी मदद कौन करेगा, कौन इनकी भलाई के लिए सोचेगा। तो ये प्रसंग दो माओ की प्रसंग नहीं है, ये हम सभी समाज की प्रसंग है कि हम औरों के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें, क्योंकि ये नजरिया दर्शाता है कि एक माँ जो खुद तक सीमित थी, यानी अपने बच्चे के विकास के लिए सोच रही थी, लेकिन जो दूसरी माँ थी वो अपने विकास के साथ साथ औरों के, समाज के विकास के बारे में सोच रही थी, और वही सोच आप लोगों में अभी दिख रही है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। तो भारतीय सनातन संस्कृति में भी वसुधैव कुटुम्बकम की भावना व्यक्त की गई, कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम, यानी यह अपना है, यह दूसरों का है, ऐसा छोटे हृदय वाले, यानी जो छोटे हृदय के लोग होते हैं उनकी सोच होती है, उदार चरित्र वालों के लिए तो ये सारा संसार परिवार के समान होता है। तो हम सभी उदार चरित्र वाला बने और समाज, अपने साथ साथ समाज के बारे में भी सोचे, तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। मैं पुनः क्वाक फाउंडेशन के जो CEO है, जो प्रेसिडेंट है, उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इन सभी एक एकीकृत एवं लघुकृत भारत को और पूरे विश्व के प्रतिनिधिगण को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया और लोगों में संदेश दिया कि हम औरों के, मतलब अपने साथ साथ औरों के बारे में भी सोचे, करें और उसे आत्मसात करें। पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।